परसों हम लोग रिहा होने वाले हैं। बताया था एक एक अक्षर बिना बदले सच हो रहा है। कैसी हो तुम? रोज पुजारी जी के सपने में आती हो, पर मेरे सपने में क्यों नहीं आती? मैंने क्या पाप किया माँ? स्वाति डॉक्टरी पढ़ रही है, ये तुम जानती हो ना? माँ मैं स्वाति से मिलकर आता हूं। हेलो, कौन सी आई साहब? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं 402 बोल रहा हूँ। यहाँ पर बंजारा हिल्स में 12 नंबर रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी मारा गया है। अरे हेड, वो अपने स्टेशन का इलाका नहीं है, दूसरे स्टेशन का है, वहाँ फोन करो। उसके गले में सोने की चेन, हीरे की अंगूठी, नोटों से भरा सूटकेस, बहुत माल है। अरे इतना माल है तो वो इलाका अपने स्टेशन में आएगा। तुम तुरंत जाकर पूरा माल कब्जे में लो और केस बुक करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके। अरे सूर्या कब आया? परसों आया। चल रे। और क्या मामा जी, आज जेल से रिहा होऊंगा ये जानते हुए भी स्वाति को लेकर जेल क्यों नहीं आए आप? वो ऐसे क्यों घूर रही हो, पहचाना नहीं? ये अपना सूर्या है। सूर्या कुशल से हो ना बेटा? अरे एक दूसरे को पहचाना नहीं? सूर्या ये मेरा बेटा शेखर। शेखर है रे। बैटर ब्लड और जेल, अभी क्या कर रहे हो? तुम्हारे के उपकार के कारण आज आईएएस पास करके ट्रेनिंग लेने दिल्ली जा रहा हूँ। इसी चक्कर में तो मैं तुमसे मिलना भूल गया। ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ। चलता हूँ माँ। खुश रहे बेटा, मेरा भी पाँव छू। हाँ जी। जीता रहे। सूर्या चलता हूँ। सूर्या अजी मैं छोड़कर आती हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो सूर्या? शेखर कलेक्टर बन रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई मामा। सूर्या तुम्हारे त्याग के कारण ही आज वो कलेक्टर बन रहा है। वो मेरा कर्तव्य था, नहीं करता तो एक नेक इंसान और मेरी माँ की बातें कैसे पूरी होती मामा जी? लेकिन आपने उस वक्त वादा किया था कि आप स्वाति को डॉक्टरी पढ़ाएंगे। स्वाति के नाम पर मुझे याद आया, उसने तुम्हें। ए स्वाति, तुम किससे जेल में मिलने जाती थी? हाँ सूर्या वो आया है। क्यों मामा जी, स्वाति रो रही है?
ठीक से देखभाल नहीं किया क्या? ये आंसू पीड़ा के नहीं आनंद के हैं, अपनी सौगंध। रिम झिम बरसे बदरा, पवन और बदरा का है मिलन, मेरी स्वाति डॉक्टर बनेगी। अरे क्या हुआ, अभी तो बहुत पढ़ना है। मेरे जेल से आने तक स्वाति की जिम्मेदारी तुम्हारी है मामा जी, ऐसा बोला था ना। अब तुम बाहर आ चुके हो पढ़ाई पूरी करने के लिए, और 50,000 चाहिए बताया था ना, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता, तुम ही उपाय करो। इसमें उपाय क्या करना है, रुपए कमाने के 100 मार्ग हैं, रहा तो घर वरना जेल। मगर मेरी इच्छा है कि स्वाति डॉक्टर बने। नहीं सूर्या, मुझे खुश करने के लिए ऐसी बात मत करो। मेरी कसम, मेरे वास्ते अपन कभी जेल नहीं जाओगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई? जितना पढ़ लिया बहुत है। ऐसा करने से अब तक की पढ़ाई का क्या फायदा होगा स्वाति? जाने दो, जेल गया तो मेरा 1 साल बर्बाद होगा, पढ़ाई बंद किया तो पूरा जीवन बर्बाद होगा। तुमने इरादा बदल दिया तो मामा जी के खैर नहीं। मैंने क्या किया सूर्या? रुपयों की बात की आपने, रुपया कमाने का मार्ग भी आप ही बताएंगे। मुझे ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? चुप रहा, घंटों चक्कर मारा तो पता चला। अच्छा क्या खाओगे बोलो, क्या है बोलो। मैं बोलती हूँ ना, नरम इडली, फूली हुई पूरी, लंबा डोसा, ब्यूटी स्पॉट जैसा बड़ा, खट्टी चटनी, प्यारा सांबर, क्या मांगता रे। अरे इसकी बातें मजेदार है, ये खुद भी मजेदार है। ए जा डोसा लिया। डोसा मत खाओ, नशा चढ़ जाएगा। अरे बाप रे, ये छोकरा तो खंजर जैसे है, ऐसे मत देखो ना। अब चल रहे सूर्या, सूर्या कुछ बदमाश लोग तुम्हारी माँ की समाधि को तोड़ रहे हैं। उस जगह पे वो कब्जा कर रहे हैं, तुम उन्हें रोको, मैं पुलिस के पास जाता हूँ। कौन है तू? थोड़ी देर रुका तो मारा जाएगा, उठ ले। सर सर, मेरी माँ की समाधि टूटी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, चाहिए तो पूरा हैदराबाद ले लो, बस इसे छोड़ दो सर। सारे शहर पर राजनेताओं का कब्जा है, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। हम जैसे लोगों के लिए ये घटिया शमशान भूमि छोड़ी है, जाओ अपना काम करो। इस शमशान को तुम घटिया मत बोलो, यहाँ हम सबको जन्म देने वाली देवियाँ हैं। एक बात बताता हूँ, तुम्हारे सामने भगवान प्रकट होकर बोलेंगे वर मांगो, मैं दौड़ूं जितनी दूर उतनी जमीन मेरी हो, दौड़ो ऐसा बोलेंगे भगवान, बीच में रुकूं तो वहीं तक जमीन मिलेगी, यह सोच दौड़ते दौड़ते मर जाओगे। तब मरने के बाद जलाने के लिए तुम्हें जगह चाहिए ना, यह वही जगह है। ये क्या कथा सुना रहा है? नहीं नहीं, कथा नहीं है, जन्म लेने वालों को झूले में डालते हैं, मरने के बाद यहाँ जलाते हैं। समाधि हम लोग बनाते हैं अपनी यादों के लिए, उसे मत तोड़ो सर, चले जाओ। तोड़ा तो क्या करेगा, विश्वास तोड़ा तो सहारा नहीं रहता, घर तोड़ा तो ठिकाना नहीं रहता, और समाधि तोड़ा तो तेरा प्राण नहीं रहेगा, चले जाओ। क्या बोला, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, ऐसा क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम सब कैसे मानोगे ये मैं अभी बताता हूँ।
ए, इन सब लुंगी वालों को लपेट कर वैन में डालो, वैन में डालो। ठीक है सर। ए, उन सबकी जेब में जो भी मिले लाकर मेरी जेब में डाल देना। और मेरा सर? जैसा कहा है वैसा करो। बड़ा आया, तुम्हें ज्वाइन किए 6 महीने नहीं हुए, मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? जाओ जाकर काम करो। इंस्पेक्टर साहब मेरा क्या? मंदिर के दरवाजे को छोड़कर मुझे लूटने आए हो? वो भी मांगेगा, तुम भी मांगोगे, फिर मुझे क्या मिलेगा? अरे सूर्या माँ, हम पुलिस से न होने वाला काम तुमने कर दिखाया रे। हाँ बाबू, बाजार में जाकर हफ्ता वसूल करो, पर मेरे यहाँ फ्री मत खाओ, मुझ पर बहुत कर्जा है। बाबू तुम यहाँ रहते हो इसलिए मेरे होटल जैसा यहाँ प्रशांति छा गई है। ए सूर्या, आज से तुम्हारा खाना पीना हमारे मामा के होटल में बिल्कुल फ्री। क्या कहते मामा? अरे क्या बोलते हैं? मैंने कब बोला रे? अभी सूर्या, मार मार के थक गए होंगे, तुम जाकर गर्म पानी से नहाकर सेंटर पहुँचो, लड़कियाँ तुम्हारे दिल को बहलाने को बेकरार है। छोकरी है तू नकली नगीना, खुद को समझती है तू मलक है सीना। उसनो शबाब को है एक दिन जाना, मुश्किल है किसी का तेरे साथ जीना। समझ ले हसीना, सपने में आँखें क्यों चुराती हो मुझको, और सताती हो मुझको। फंसने वाला अपनी धुन का मेरा ही मस्त मत वाला। समझना गलत मुझे नहीं हूँ तेरी दीवानी, तू मिल जाए तो मिल जाए मेरी जवानी। मीठी बातों में मुझे ना तुम मुल जाओ, बेजम पत्थर से हसीना ना दिल लगाओ। सात पत्थर दिख जाते हैं, मुश्किल है किसी का तेरे साथ जीना। समझ ले हसीना, हंसी तो जाते हैं। सुन ले मेरे सीना, मुझे न पता तो तू ही नादान लड़का, लोग मुझे देख मेरी सपने सुंदरी आई के बाप दबाती है। हर पल बदलते रहती हो रूप रंग अपना, धोखा खा कर कैसे होगा तेरा जीना। सामने हो गले लगा लो, मुश्किल है किसी का तेरा साथ जीना। समझ ले हसीना, शुक्री है तू नकली नगीना, खुद को समझती है तू मलक है सीना। नकली नगी अकली हो इतना मान लो, इतनी लखो ही दीवानी मेरे जान लो। उसनो शबाब को है एक दिन जाना, मुश्किल है किसी का तेरे साथ जीना। समझ ले हसीना, पत्नी में आके क्यों जुगाती हो मुझको, और सताती हो मुझको। जन्नत की जीनत नहीं।
जो प्यारा। मधु, तुझे इंजीनियरिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तेरी डैडी के स्टेटस के लिए पढ़ा रही हूँ। तुझे उनकी इज्जत बचानी होगी, समझ रही है ना बेटी? मेरे पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं मुझे मालूम है छोटी माँ, उनकी इच्छा के खिलाफ जाने का हौसला मुझ में नहीं है। सुन बेटी, अगर तेरी सगी माँ होती तो कोई परवाह नहीं, कल तुझे कुछ हो गया ना तो तू लोगों के बारे में जानती है, वो मुझ पर उंगली उठाएंगे। मैं आपको सौतेली नहीं समझती, सगी माँ के रूप में देखती हूँ। दूसरी माँ होने के कारण लोगों से भयभीत हूँ, लेकिन तेरी माँ बनकर मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मेरा ये जीवन ही सिर्फ तेरे लिए है। क्लास में एक आधा दिन हाजिर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं ट्यूशन में हर रोज पढ़ रही हूँ ना। नो प्रॉब्लम। मधु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे पीछे मत पड़ो। मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मधु, मैं फिर से समझा रही हूँ, मेरी डैडी का नाम सुन चुके हो ना, बड़े खतरनाक है। ठहरो मधु, मधु मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, मधु मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए मैं हर खतरे से लड़ने को तैयार हूँ। सुनो, तुम्हारा वन साइड लव है, तुम चाहे लाख प्रेम कर लो मुझसे, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती और ना ही कर पाऊंगी। ठहरो मधु, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। रुको, बेबी के पीछे क्यों पड़ा है? जयभूषण जी को पता चला तो मारे जाओगे, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा। मधु के लिए मैं हर खतरे से लड़ने को तैयार हूँ। मां मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सारथी, मुझे तुम पर बहुत उम्मीद है, इसलिए तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ। बड़े घर की बेटी के पीछे अपनी जान मत गंवाना। क्या है, क्या हुआ बेटे, क्यों चमाते हो? चलो मुझे क्यों रे, मेरी बेटी से प्रेम करता है? मैं आपकी बेटी के लिए मरने को तैयार हूँ। साबित कर, डाल इसके ऊपर पेट्रोल। छोड़ो मुझे नहीं। देखो, मेरी बेटी की राहों में आने वाला जिंदा नहीं बच सकता। अरे सूर्या, अरे तुम लोगों को काम धंधा नहीं है, फालतू बातें करते रहते हो। कुछ नहीं चाचा जी, इससे फालतू बात करने के अलावा आता क्या है? ए सूर्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें किस काम का अनुभव है? बता। हाँ है, जेल जाने का अनुभव है, और यही तो इसे कुछ करने नहीं दे रहा है। फिर मेरी दुकान में आकर हजामत कर। चुको, इसके लिए भी दिमाग चाहिए या मुझसे नहीं होगा? ऐसे कब तक चलेगा? स्वाति को पैसे भेजना है ना। ठीक है, तुम्हारे लिए एक आसान काम है और ये काम तुम्हें ही करना होगा। चलो आओ, जल्दी आओ। अरे फिर मिलेंगे। ए, ऑटो को बाजू में खड़ा करो। सूर्या, खेती करने वालों की है भूमि, रहने वालों का है घर, ऐसा मैचिंग स्लोगन बनाकर किराया भी न देकर मकान मालिक को बुरी तरह से उल्लू बनाकर रुला रहा है बुढ़ा दंपत्ति। उधर देखो वो दोनों। अरे बापे, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। सेंटिमेंटल फेस बनाकर दोनों पड़ोसियों को धोखा दे रहा है। वहां कौवा जैसा फुदक रहा है ना, वो घर का मालिक है।
अपनी काली सूरत लेकर किराया मांगने जाता है, तब बुगला सूरत बनाए मकान मेरा है कहकर पड़ोसियों को सुनाता है। तुम्हें उस बुगला भगत से घर खाली करवाना है। एक मिनट, मैं माँ से पूछता हूँ। हर बात के लिए माँ से पूछेगा क्यों रे? स्वाति को रुपए मिलेंगे तो माँ मना करेगी? अरे 25,000 मिल रहा है। ना भाई, गुस्से चले जा रहे हो? ए बुड्ढे, 5 मिनट में घर खाली कर। ये क्या दादागिरी है? ये मेरा घर? अरे ये क्या जुल्म कर रहे हो? अरे ये मेरे घर में करे? अरे भिखारो मत होगे। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। 5 मिनट में मुझे ये घर खाली चाहिए। निकल निकल, ए बुढ़िया निकल यहाँ से। भाग रश्मि, चल भाग भाग भाग। चलो नहीं, भाग यहाँ से, भाग कर तोड़ कर, भाग 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 यहाँ से। कौन हो तुम? ये क्या जुल्म है? इनका कोई नहीं है, समझ कर इन्हें सता रहे हो? तेरी तो जो भी आएगा मारा जाएगा। अबे आइंदा इधर मत नजर आना, हटो। अब इस घर के पास कभी दिखा तो हड्डी पसली तोड़कर गटर में फेंक दूंगा। चल बैठ। बहुत ही तेज झगड़े को लेकर आए हैं आप। बकवास बंद करके नोट निकालो। ये लीजिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया साहब। हो गया ना? चल चल आओ सूर्या, काम तुम्हारा दिमाग मेरा, तुम्हारा 50 मेरा 50। मेरा क्या है? काम मेरा, पाप तुम्हारा। और मुझे देखा, ये हाथ हथौड़ा है। कौन? क्या तुम मेरा स्पर्श नहीं पहचान पाए? नहीं तो ठीक है, अपनी आंखें बंद ही रखना, खोलना मत। तुम्हारी गालों को मेरी सासों का एहसास नहीं होता? नहीं तो मेरे होठों को पहचान नहीं पाई? नहीं तो फिर कैसे कहूं? जिस तरह मन मन से बात करता है उसी तरह होठ भी बात करते हैं। अपने होठों को मेरे होठों पे रखकर बात करने दो। मन बहका पास आ जरा, तुझे बाहों में भर लूं मैं। चढ़ने लगा है तेरे प्यार का, मैं हूं प्यासा। चल मुझ पे अजीब नशा, तू मेरा हम सफर होने वाला, जानम मुझको न भूलना। प्रेम रोग मुझे लगा, दीवाना मुझे बनाया, खुशी खो रहा है, तुझे दिन कुछ हो रहा है। हम तुम एक होकर प्यार में खो जाए, दिल कशदा प्यार का समा, मुझे नशा चढ़ने लगा है तेरे प्यार का, मैं हूँ प्यासा।
मेरा मन के मंदिर में तुमको बताया तुम नहीं तो जहाँ में कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे अपना या कोई जन्म सबक होने वाला तेरे साथ होने से ओ सनम खुशियाँ छा गई पल पल मस्ती छाई पल पल मस्ती छाई हम तुम एक होकर प्यार में खो जाए के बारे में मत सोचो बस अपना कोर्स पूरा करो मैं जेल में बास्केटबॉल का चैंपियन रहा हूँ चलो एक गेम खेलते हैं साथी हर औरत मनचाहा पति चाहती है मगर भगवान अपनी मर्जी से उसे पति देता है सच बोली सूर्या के अलावा मेरा जीवन किसी और को नहीं मिल सकता ओ, सोचे बिना किसी से कुछ हो जाए तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं योजना से किए काम को वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कहते हैं आज मेरी माँ का जन्मदिन है भिखारियों को कपड़ा देने के लिए मैं जा रही थी तुम्हारे जैसे अपराधियों के आंसू हम पुलिस वालों की वर्दी की आयरन करते समय डाले जाने वाले पानी समान है मेरे जैसे वर्दीधारी सेंटीमेंट्स नहीं समझते ओके कमिंग टू द पॉइंट तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है ड्राइवर आया नहीं तुमने बिना लाइसेंस ड्राइव किया दैट्स ऑल लगभग 3 साल सीआई साहब यस इस बेबी को देखा तो बड़ी सॉलिड पार्टी लगती है बहुत खींच सकते हैं मैं भी ऑलरेडी इसी पॉइंट पर सो चुका हूँ हाँ बेबी घर पर फोन किया हाँ छोटी माँ को बता दिया मैंने छोटी माँ बेटी तू फिक्र मत करो सीआई जी कुछ भी करके मधु को इस केस से बाहर निकाल दीजिए इसके पिताजी को इसके बारे में मालूम नहीं होना चाहिए ए, सुनो सीक्रेट में रहना चाहिए लेकिन ज्यादा खर्च होगा मैडम खर्चे की कोई परवाह नहीं यानी आपको कोई परवाह नहीं बेबी आज तुमने ड्राइव नहीं किया आज तुमने सूर्या को नया ड्राइवर रखा जिसने एक्सीडेंट किया ऐसा लिख कर दो ठीक है सुनो वो मोहन के होटल में होगा उसे ले तुम्हारी चांदी ही चांदी रे मुझ जैसे लोग केस पकड़ने के लिए भटक रहे हैं और केस तुम्हारे पास आ रहा है पॉइंट की बात करो मामा अगले अंदर बहुत ही सुंदर लड़की है उधर देखो चीची ऐसा काम कब से शुरू कर दिया मामा हमारे साथ तुम्हें पिम लोफर जोकर ब्रोकर जैसे दिख रहे हैं क्या तुम्हारा हेड तुम्हारे हाथों में दे दूंगा
इसने उस मतलब की बात नहीं की। अपने मन से बोल रहे हो तुम। तो रहो मामा, अंदर जो लड़की है वो बिग शॉट की बेटी है, बिना लाइसेंस के एक्सीडेंट किया। उस लड़की के बदले तुम जेल जाने को मान गए तो कितना देगी, कब तक रहना होगा? 1,00,000 रुपए मान गई है, 6 महीने की सजा होगी। ठीक है, सेटल कीजिए। ओके। आज सुबह किसी अच्छे का थोपड़ा देखा होगा इसलिए सूर्या मान गया। लेकिन वो 2,00,000 मांग रहा है। अभी ले लीजिए। आप इधर ही बैठिए, मैं अभी साइन लेकर आता हूँ। ये लो 1,00,000 रुपया, इसमें 50 तुम्हारा 50 मेरा। अच्छा अच्छा, और 1,00,000 में से भी 50,000 रुपया स्वाति के नाम पे बैंक में डाल दो। और 1,00,000 वो कहाँ है? तुम्हारा भांजा हूँ मामा, पंडित हाथ देकर भाग्य बताएगा, मैं आपकी आंखों को देखकर बता दूंगा कि आप बड़े डैश डैश वाले हैं। अब अपने जेब से पैसे निकालो मामा। सांप की आंखें हैं ये लो। ठीक है, सूर्या कहाँ गया ये स्वाति पूछे तो कह दीजिएगा कि किसी काम से दुबई गया है। ठीक है, इसके ऊपर साइन करो। सीआईजी, वो अच्छा आदमी नहीं है। कैसे जानती हो बेटी? परसों बेचारे बुढ़े दंपति को उनके ही घर से बाहर किया मेरी आंखों के सामने। वो वैसा नहीं है बेटी, मुझ पर विश्वास करो और जाओ। ये बात नहीं है, जेल से बाहर आने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। दूसरों के लिए उदार है बेटी, किसी को परेशान भी नहीं करने वाला, उसके हर काम के पीछे भला कारण होता है। एक बार उसकी जीवनी सुनोगी तो अचरज में पड़ जाओगी। बजरात बावन और बजरा का है मिलन, मेरी स्वाति डॉक्टर बनेगी। ये क्या कर रही है, बारिश में क्यों भीग रही है? अंदर आ जा। क्यूरी, मैंने कहा था ना बारिश में भीगेगी तो सर्दी और बुखार हो जाएगा। होगा तो खुद चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? स्वाति डॉक्टर बनकर मुझे इंजेक्शन लगाएगी माँ, है ना स्वाति? ठीक है, मैंने दूध का पैकेट लाने को कहा था, लाया? लाया माँ, किचन में रखा है। ये लो 1 रुपया बचा है, तू ही रख ले मेरी अच्छी माँ। आंटी, मेरे पापा आ गए। पापा, पापा। बेटी तुम अच्छी हो? सुनो शंकर, बेटी को देखकर आनंद से घर में जम मत जाना, एक और नया केस आया है, जल्दी आना। ठीक है बहन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भैया, पर आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। बिना कुछ किए अपराध को कबूल करके जेल जा रहे हैं। कर्ज उतारने के लिए काम कर रहा हूँ बहन, लेकिन इसकी माँ के मरने से पहले मैंने वादा किया था कि इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगा। मानती हूँ भैया, लेकिन किसी बड़े केस में फंस गए तो स्वाति का भविष्य? तुम हो ना बहन, मेरी सगी बहन तो नहीं, पर सगी बहन के रूप में तुम मिल गई। अगर इतना भी नहीं कर सकी तो बहन कहने का क्या फायदा? आप रुकिए, कॉफी लाती हूँ। ठीक है बहन। बहन, बहन क्या हुआ तुम्हें? अरे बहन, तुम मत पास आओ। आना, आना। चुप रहो बच्चों, भगवान ने इन दोनों को बचपन में अनाथ कर दिया। ये खून कैसा, क्या हुआ? किशोर ने मुझे मारा, इसलिए बैट लेके मैंने उसके सर पे मार दिया। साहब जी, वो लड़का मर गया। ये कैसा काम किया रे, क्या कर डाला तूने? अब क्या करें, इसको अब भगवान भी नहीं बचा सकता। उस लड़के को मैंने मारा साहब जी, ऐसा मैं बोल दूंगा। मेरी स्वाति को डॉक्टरी पढ़ाएंगे ना? मेरा बेटा जेल गया ना, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जरूर पढ़ाऊंगा। मेरे जेल से बाहर आने तक उसे पढ़ाया तो बहुत है। अरे सूर्या, तुम सच में भगवान हो, भगवान हो। एक लड़के को पढ़ाने के लिए 12 साल जेल में रहा,
He's great. दूसरों के लिए वो सजा भोगता है, वो किसी को परेशान नहीं करने वाला बेटी, उसके हर काम के पीछे भला कारण होता है। सुनो सूर्या, मधुलता ने पुस्तक तुम्हारे लिए भेजा है। मधुलता? मेरे लिए नहीं, कोई और सूर्या होगा, उसे खोज कर दो। अरे पागल, तुम्हारा नंबर 19 है ना? हाँ। तो तुम्हें दिया है। अच्छा, मेरे लिए? कौन सी किताब है? 300 ग्रेट लाइव्स, विश्व के 300 महान व्यक्तियों की चरित्र गाथा है इसमें, इसे पढ़ो तो। अरे लोगों की जीवन चरित्र की मुझे क्या जरूरत है, मैं हिंदी तो जानता नहीं, अंग्रेजी कैसे पढ़ूं? अरे बुद्धू पागल, किसी से पढ़वा के सुन लेना, ये लो। एक मिनट, मैं माँ से पूछता हूँ। माँ ने मान लिया, किताब दो। अरे नहीं नहीं, इसमें तो बहुत अच्छी बातें लिखी है, अच्छी राह पर चलने वालों के जीवन में सुख की मसाल जलती है, अच्छी राह को छोड़कर कभी जीवन में अंधकार मत लाना, तुम्हारी मधुलता। ये लो। इसे नहीं जानता, मुझे अच्छी नीति सिखा रही है। कौन है ये लड़की, भला इसमें लिखी बातें समझ ना आए, ये तकिए का काम जरूर आएगा। मधु का बर्थडे फंक्शन होने के बाद हर हाल में मुझे दिल्ली जाना होगा। अच्छा सर, राज्यसभा की सीट आपको मिलेगी? जो देना था वो दे दिया, फिर सीट क्यों नहीं मिलेगी? फिर नॉमिनेशन के दिन डायरेक्ट असेंबली में पहुंचूंगा। हाँ सत्या, सर तुम होटल जाकर सारा अरेंजमेंट देख लो। ओके सर। ललिता, मधु तैयार है ना? मधु का जन्मदिन है और तुम्हारे मुंह पर मातम है। आज तक मैंने आपसे एक सच्चाई छिपा रखी थी। सच्चाई? दीदी के जन्मदिन पर ड्राइवर न होने के कारण जब भिखारियों को कपड़े दे दे जा रहे थे तो मधु ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट कर बैठी, तब मैंने पैसे देकर मधु के बदले किसी और को अरेस्ट करवा दिया। अब तुम मेरी पत्नी बनी हो। उस दिन जो आदमी अरेस्ट हुआ था, आज वो रिलीज होने वाला है, उसी से मिलने मधु गई है। यानी तुम मेरी पत्नी के लायक नहीं हो। दिल्ली का चक्कर चलाता हूं मैं और मेरी बेटी आफ्टर ऑल भाड़े के टट्टू से मिलने जेल गई है। जल्द से जल्द होटल ताजमहल में आने के लिए फोन करो, फोन करो, जल्दी करना। कौन हूँ तुम? जर्नलिस्ट हो क्या? नहीं तो। जेल से रिहा होने वाले कैदियों को बुके देती हो, ऐसा करोगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। मेरा नाम है मधुलता, तुम्हारे हाथ में ये पुस्तक मैंने पहुँचवाई। तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं मालूम, पुस्तक क्यों भेजा? तुम्हें मेरे लिए जेल जाना पड़ा। तुम्हारे लिए? हाँ, वो एक्सीडेंट किया मैंने, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? उसके लिए तुम पैसे दे चुकी हो। ओ समझ गया, तब पैसे कम दिए ये फील करके अभी बाकी देने आई हो, है ना? तुम्हें जितना भी दूं कम है। बाप रे, ऐसा ही कहा था, बिना काम किए पैसा नहीं लूंगा, विश्वास करने वालों का विश्वास कभी नहीं तोड़ता, ऐसा ही हूँ मैं, चलता हूँ। रुको रुको, एक मिनट, आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें दे रहा हूँ, यही मेरा स्टाइल है। असली बात कहूँ तो आज का ये दिन इस जेल में सजा काटती मैं, तुम्हारी वजह से आज मैं खुशी से बाहर हूँ, इसलिए आज का दिन अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अगर एतराज न हो तो हम दोनों कार में बातचीत करते हुए चलें। तुम्हारे साथ मुझे और कुछ काम है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, कम ऑन, कम प्लीज। ये सब मेरे दोस्त हैं। हाय 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 हाय, हेलो, हाय हाय सिस्टर। क्यों रे सूर्या,
इसे देख कुछ कुछ क्यों हो रहा है? कंट्रोल कर, कंट्रोल। अरे 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 सूर्या, तुम यहाँ पे हो? जेल से आ गई ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी माँ के नाम से पूजा करवा दिया और मंदिर में सहस्त्रों अर्चना करवा कर प्रसाद लाया हूँ बेटा। ये लो प्रसाद ले लो। माँ ने क्या कहा पुजारी? वो क्या है बेटा, कहा तुम कुशल मंगल से रहो और पूजा का दक्षिणा तुमसे लेने को कहा। अपनी माँ से इतना प्यार है? जान से ज्यादा। इसके बारे में तुम नहीं जानती, अपनी माँ के लिए आग में भी कूदने को तैयार है। सूर्या ये लड़की कौन है? हमारे इलाके में अपना बर्थडे मनाने के लिए आई है। अच्छा क्या बात है, मेरा आशीर्वाद तो सर्वदा रहेगा। अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने वाला मैं हूँ विराट शास्त्री। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to वेजिटेरियन है ना? अंडे से बना है। अब थूकने से क्या होगा जब गले से उतर ही गया है? अरे पहले बता देता तो अच्छा होता ना, अब फिनाइल से मेरा मुंह धोना पड़ेगा। पुजारी जी मैं साफ कर देती हूँ, ठहरिए ना। अरे बाप रे शास्त्री जी को ये क्या क्लीन करेगा? ए ए तू नहीं आना, तू नहीं आना। ए भाग 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 यहाँ से भाग। यहाँ आके गरीब बच्चों को केक खाया, बहुत थैंक्स। परवाह नहीं, जीवन है तो घटनाएं होंगी ऐसा कहते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से जीवन बदल जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड नाइट। किसका ये? ये किसका चेन है, कौन भूल कर चली गई? ये कौन है, बड़े ही फिक्र में बैठा हुआ है। भूख लगी है, दारू पिएगा? ये तुम्हारी भी माँ नहीं है क्या? कोई बात नहीं, अपनी माँ के पास ले चलता हूँ। ये किसका है चेन, ठीक है ना? इंसान पर कभी भरोसा मत करना मुन्ना, हरी पत्तियां खिलाकर गला काट देगा। अबे चुप, मैं क्या तेरा चिन खींच रहा हूँ? ये मेरी माँ है, प्रणाम कर। प्रणाम। माँ स्वाति बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली है, पर मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ माँ। तुम पुजारी जी के सपने में बार बार आती हो, पर मेरे सपने क्यों नहीं आती? ऐसा क्या पाप किया मैंने? मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ माँ, बस एक बार मेरे सपने में आओ। सुना माँ, ये भी सच बोल रहा है, बेचारा इसकी भी माँ नहीं, ये भी मेरी तरह अनाथ है। माँ मैं आज ही जेल से छूटा, एक लड़की से मुलाकात हुई, वो मुझे बहुत पसंद आई माँ, मेरे मन को भा गई। लगता है रात को यही सो गया मैं। अरे चेन कहाँ गई? बकरी भी नहीं है, या किसी ने चेन चुरा लिया? ये क्या है,
रात में नहीं था, फिर सुबह कैसे? चेन नहीं है, फिर ये चिट्ठी कैसी? पुजारी जी, क्या है सूर्या, सुबह सुबह इधर आया? मुझे एक छोटा डाउट है पुजारी। क्या बेटा? बकरा सोना खाएगा? बकरा सोना नहीं खाएगा, सोना जैसा घास खाएगा। फिर वो चेन कहाँ गुल हो गई? कौन सा चेन? कल रात बढ़िया सोने का चेन मिला, उसे माँ की समाधि पर रखा था, सुबह देखा तो गायब हो गया। अरे रे 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 रे। रात को मुझे पहना देते तो अच्छा होता। वो तो ठीक है, रात को माँ की समाधि पर सो गया, सुबह उठकर देखा तो चिट्ठी पड़ी मिली। चिट्ठी? इधर लाओ। किसकी चिट्ठी है ये? ये तुम्हारी माँ ने लिखा है। मुट्ठी को देखा, हथौड़ा है, हथौड़ा एक बार मारा तो ठीक ही उड़ जाएगी, पर कैसी माँ चिट्ठी कैसे लिखेगी? लिखेगी बेटा, तुम्हारी माँ की अंतर आत्मा इधर उधर भटक रही है, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी ना, इसे तुम्हारी माँ ने ही लिखा है। पढ़ू? माँ से पूछता हूँ। माँ मान गई, अब तुम साफ साफ पढ़ो। बेटा सूर्या, मैं हमेशा पंडित जी से तुम्हारे सुख दुख के बारे में पूछती रहती हूँ। हर दिन शमशान में आकर तुम चिंता करते हो, वो भी मैं देखती हूँ। दूसरों के अपराध अपने सर लेकर जेल की सजा भोग रहे हो, आज से ऐसा काम मत करना। स्वाति को डॉक्टरी पढ़ा रहे हो, उसी तरह माँ की बात भी मानो। हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हो, अब तुम अपने बारे में सोचो बेटा। मैं तुम्हें सुख में देखना चाहती हूँ, तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो, अच्छा काम करो, ताकि मेरा नाम लिया जाए बेटा। तुम्हारा जीवन साथी कैसा हो ये मैं देखना चाहती हूँ बेटा। तुम्हें जो चेन दिया था उसे जहाँ पहुँचना था पहुँचा दिया, उस चेन को धारण करने वाली तुम्हारा जीवन साथी बनेगी। अपनी माँ की बात मत टालना बाबू, उस लड़की की बात तुम्हें माननी ही होगी। वो लड़की वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की 38वें सीढ़ी पर आज शाम 5 बजे तुम्हारी राह देखेगी। वो लड़की जो कहे तुम मान लेना, तुम्हारी माँ सीता महालक्ष्मी। बाप रे, 38वें सीढ़ी पर लड़की होगी, माँ ने कहा, उसे कैसे पहचानूंगा? चार काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। हेलो, टाइम क्या हुआ? घड़ी नहीं है, दिखता नहीं, मारूंगा तो थोबड़ा फूल जाएगा। घड़ी नहीं है तो बोल सकते हो ना, फूट ले। अच्छे आदमी से मेरे टाइम। ओहो, फिर पहले से गिनना पड़ेगा। अच्छा नहीं गिना, 38 भगवान का नाम लिया तो ठीक होगा। शंकर, विष्णु, नारायण, केशव, हनुमान, गणेश जी, विनायक, गोविंदा। सर आपने बुलाया? तुम्हें किसने बुलाया बे? मेरा नाम गोविंदा है। मेरी गिनती भी भुला दी बेवकूफ कहीं का। क्या पागल आदमी है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। वो सही नहीं है, अब सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना हटा पटा जवान है और भगवान ने बेचारे को आंख नहीं दी, ऊपर वाले का भी कैसा अन्याय है। ये रख ले बेटा, संभल के जइयो। लोग मुझे भिखारी समझ रहे हैं। ओ, मेरी गिनती मेरी गिनती। अब किसी ने टोका तो रुकूंगा नहीं, अब सीधे 38वें सीढ़ी पर रुकूंगा। बढ़ चलो सूर्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। अरे मधुलता, तुम यहाँ कैसे? पूजा करने आई। ओहो, जरा उसे दिखाओगी? क्या? वो गले का चैन मेरा है। अरे रात माँ की समाधि के ऊपर पड़ा है चैन, मेरे होने वाली पत्नी का है, ऐसा माँ ने कहा था। शायद मधु को माँ ने भी पसंद किया है।
माँ से ही पूछे तो ठीक रहेगा। वर्षा काल में ग्रीष्म काल में तो कोई छाया चाहिए, वर्षा काल में एक छतरी चाहिए। ग्रीष्म काल में तो कोई छाया चाहिए, वर्षा काल में तो एक छतरी चाहिए। hey, शीत काल में तो गर्म रजाई चाहिए, किशोर काल में तो हया चाहिए। इस यौवन काल में हमें तो मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए, हाय चुमा चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। तुम चाहिए, मैं चाहिए, चुमा चाहिए, तेरा मोहब्बत चाहिए। कृष्ण काल में तो कोई छाया चाहिए, वर्ष काल में तो एक छत्र चाहिए। बोले तो संग संग हमें भी अब नाचना पड़ेगा। खुद खुश को फिर तो चुम्बन देना होगा, मुझे अपनी बाहों में तो लेना होगा। आंखों के रास्ते दिल में समाना पड़ेगा, नस नस को आराम तुम्हें देना होगा। अपनी सांसों को सुकून देना होगा, मन ने तो छत चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए, चुमा चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। मैं चाहिए, तुम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, चुमा चाहिए। दिल भर की छा जगे उसको रखते हुए जब आंख खुले, यानी रात सपने में कोई मिलने आई। तुम जब हो मेरे सामने बंधन करके, फिर क्यों न मन में ये भड़के शोले। हाँ, ये हती भक्ति हुई ना जाने दो, होता है जो होने दो। मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए, हर चुमा चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। काल में तो कोई छाया चाहिए, वर्षा काल में तो एक छत्र चाहिए, किशोर काल में तो हया चाहिए, शीत काल में तो गर्म रजाई चाहिए। इस यौवन काल में हमें तो मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए, हाय चुमा चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। हेलो, कहाँ खो गए? कभी कभी तुम इस सिक्के को टॉस करके मेरी इजाजत लेते हो ना तुम? यानी उस सिक्के के एक तरफ मेरी तस्वीर है, ऐसा बोली। किसने बोली? तुम्हारी माँ सीता महालक्ष्मी जी। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी माँ सपने में आकर सारी बातें बताई। तुम्हारे सपने में आई? मेरे बारे में कुछ बोली? तुम्हारे बारे में वो बहुत चिंतित है। ये चैन उन्होंने मुझको दिया, तुम में एक नया सूर्य देखने की उनकी इच्छा है।
गलत काम करने से उन्होंने मना किया, आज से अच्छा काम करने के लिए उन्होंने कहा है। मानी जो लिखा वो ये बता रही है? इतना ही नहीं, सुधर कर शराफत से अच्छा काम करने लगोगे तो वो तुमसे बात करेगी, ऐसा बोली। मैं पढ़ा नहीं हूँ, कौन मुझे अच्छा काम देगा, कैसे पैसे कमाऊंगा? बड़ा अच्छा कहा। गलत काम से पैसे कमाते हो, अच्छे काम से पैसे नहीं कमाओगे क्या? आज से तुम्हें अच्छा जीवन शुरू करना होगा, ऐसा काम करो जिससे कि लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहने लगे। अच्छा बुरा समझे बिना इतने दिन जी गया, अब आगे कैसे? ये लो ये सेल रखो, इसमें मेरा नंबर है, तुम जो काम करना चाहो तो मुझे फोन करो। ओके बाय। पुजारी जी, इतने दिन माँ के नाम से धोखा देकर आप सूर्या से रुपए ले रहे थे, आज के बाद आप उसे धोखा नहीं देंगे, इसलिए ये रखिए। नहीं बेटी, उस मूर्ख के साथ साथ तुमने मुझे भी बदल दिया, इसे तुम्हें रखो। हेलो सर, मैं सत्या बोल रहा हूँ। एयरपोर्ट से अभी निकला हूँ, नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो रहा है सर, जरा जल्दी आ जाइए। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिल्ली का पहला फ्लाइट कैंसिल हो गया था, घंटे बाद दूसरी फ्लाइट से पहुंचा हूँ। 10 मिनट इंतजार करो सत्या। सर 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 इम्पॉसिबल सर, असेंबली में विपक्ष पार्टी प्रेस वाले सब मौजूद हैं सर, टीवी चैनल वाले कवरेज कर रहे हैं सर, पूरा हंगामा हो रहा है, आप तुरंत यहाँ पहुंच जाइए सर, प्लीज सर। ठीक है। राइट टर्न लो, जो कहा वो करो। रूल्स बनाने वालों के लिए क्या रूल्स, ऐसा सोचे तो फिर मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। चलते रहो। आज से अच्छा काम करने को कहा है, अच्छा काम यानी क्या मतलब? क्या एक्सीडेंट नहीं देखा कभी? एक पल में भागो यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। बड़े आदमी होकर एक्सीडेंट करने के बाद जबरदस्ती भी कर रहे हो? हटो हटो भागो हटो। हेलो, बोलो सूर्या। मधु, इधर एक नो एंट्री में घुसकर एक बच्ची को धक्का मारा, ऊपर से जनता पर पिस्तौल तान रखा है, अब मैं ऐसा क्या करूं जो अच्छा हो? ये भी पूछने की बात है। वो दौलतमंद अमीर है, धन दौलत वाला हुआ तो कोई परवाह नहीं, उसे सबक सिखाना होगा। ओके। कौन हो जानते हो? होने वाला पार्लियामेंट मेंबर। ए, लेकिन तुम अभी एक बच्ची को कुचलकर भागने वाले मुजरिम हो, तुम्हारे जैसा आदमी पार्लियामेंट में बैठा तो गवर्नमेंट का एक्सीडेंट हो जाएगा। सर आप असेंबली पहुंचिए, मैं इसकी खबर लेता हूं। Thank you.
ये जख्म देख रहे हो ना, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने हाथ से नहीं मारा, आन रोड से मारा होगा। एक्सीडेंट हुआ है, सब प्रेस वालों को बोलना, मधु और ललिता को भी। दादी क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट है, डॉक्टर ने कहा है कि एक वीक में ठीक हो जाएंगे। आइए दादी। बेटी बेटी मेरी नन्ही पोती का एक्सीडेंट हो गया। पेशेंट का नाम? नाम मीना है, इसी अस्पताल में भर्ती किया है। आइए। मेरी पोती कहाँ है बोलो बेटी, ये आपकी पोती को लेके आए बाबू। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था हमने, तुम मेरे परिवार को परेशान कर रहे हो, मुझको मेरे घर से निकालकर वो घर एक नीच पापी को दे दिया तुमने। बिन माँ बाप की बच्ची के लिए ही तो हम दोनों जी रहे हैं, मुझे सता के आखिर तुम्हें क्या मिला है बेटे। बिना माँ बाप की बच्ची को मैं पाल रहा हूँ, मेरी तमाम आशाओं को जला दिया तुमने। क्यों जी, आप कोई रिश्तेदार है? नहीं डॉक्टर, मैं तो भर्ती करने आया हूँ। वक्त पर लेके आए हो, वरना कुछ भी हो सकता था। एनीवे बच्ची का कोई रिश्तेदार है, इसके ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपयों की जरूरत है। मैं देता हूँ डॉक्टर। तो काउंटर में जमा कर दो। ठीक है। बेटे आपने कहा कि वो आपका अपना घर है, सच में? अपनी हाँ, पति की कसम बेटे। वाह मधु, नाइस ड्रेस। 2 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करने वाली हो? किसी बुद्धू से शादी कर जीवन भर रोएंगे। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ भाग जाती। ए मधु तू क्या करती? हाँ चुपचाप दादी के बताए लड़के से शादी करूंगी। मतलब लव मैरिज नहीं करेगी? सॉरी ये सब मुझे पसंद नहीं। ये देखो तो, तुझे पसंद नहीं है मगर वो लड़का मुझे पसंद है, क्यों? क्या ख्याल है? अचानक तेरा हीरो आ गया तो क्या करेगी? ए मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही हूँ, उधर देख तो। इसका रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है जैसे ये हमें नहीं मिलने वाला। अरे तुम यहाँ कैसे? तुमने कहा था ना उसको मारकर बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कर देना, ये नेक काम करके आ रहा हूँ, इसकी खुशी तुम्हारे मुँह पे झलक रही है नहीं देखने आया? नहीं मैं रुपए दूंगी इसलिए तुम आए हो। माँ की सौगंध, रुपए लेने नहीं, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। क्यों? नहीं जानता, जेल के बाहर मिली तो तुम्हारी सूरत नजर में बस गई, मोमबत्तियों के लौ में तुम बहुत सुंदर लगी, मंदिर की सीढ़ियों पे देखा तो मन में बस गई। आप समझ गया, सूर्या जैसा बदनाम लड़का मधुलता जैसी हसीन लड़की के प्यार में फंस गया। इतना प्यार करते हो मुझे तो हमेशा अच्छा काम करना होगा। 20,000 दिया तो अभी करूंगा। अरे रुपए किस लिए? यह पैसा तुम्हारा है, लेकर घर खाली करो। ये कैसा होगा, क्लब खोलने के लिए दूसरे आदमी को लीज पर दिया है, सुनिए ये आप अन्याय कर रहे हैं। तुमने किया तो न्याय है, दूसरे ने किया तो अन्याय है, पहले तुम करते थे तो पाप नहीं था क्या? वो सब नहीं जानता, घर खाली करो। नहीं होगा बाबू, वो बड़ा गुंडा है। अबे वो सब मैं देखता हूँ, तू चुपचाप निकल। किस्मत फूट गई मेरी। भाइयों घर खाली करके सब बाहर निकलो। किस इलाके का है? सारा इलाका मेरा है। अच्छा लगा रे। सबको अच्छा लगता हूँ, आधे घंटे का टाइम देता हूँ, घर खाली कर दो। नहीं किया तो? मैं करवा दूंगा। मधु हु? मैंने राइट बोला या रॉन्ग? राइट। रॉन्ग। Oh, my God.
आज से यहाँ कोई लफड़ा नहीं करेगा, आप शांति से रहिए। तुम इतने अच्छे आदमी हो मुझे नहीं मालूम था, और बहुत गालियाँ दी तुमको, कुछ दिल में मत रखना बेटे। कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। चलता हूँ, नमस्ते। हाँ। जीते रहो बेटे। नेक काम किया तो कितनी खुशी मिलती आज पता चला है ना मधु, मुझे क्यों बदल दिया। मैं जन्मी हूँ तुम्हारे लिए, यानी मतलब आई लव यू। नसीब की बात है यारा, तेरा मेरा ये टकराना, अगर इजाजत होता फिर तेरे होठों का भरपूर चुंबन लेता। हाँ बोलो, गले लगा लेता, दीवानी मान जा मेरे गले लग जा, देख लो तेरा हुस्न तो ओ मोहिनी बनाया मुझे पगला, तेरे जैसे का मेरे जैसे से साथ है हंसी प्यारा। मुझे करना हाँ कहना, ओ या दिन हो या रात हो धूम मचा हो, सूरजमुखी फूल हो तुम ना मधुर चुंबन दोगी क्या, इसे क्या बचना दिल की बारा होगी क्या, वार वाह की बात है यारा, तेरा मेरा ये टकरा ना 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 ना। Thank you.
पलकों पर लिख दूंगा, लिखता रहूंगा। हमारे बीच कैसा पर्दा, सुनो जरा जितना करो, आ जाओ मेरी बाहों में जाने जा, थोड़ा पर्दा जवानी का झंडा लहराता। तेरा हुस्न तो ओ मोहिनी बनाया मुझे पगला, तेरे जैसे का मेरे जैसे से साथ है हंसी प्यारा। नसीब की बात है यारा, मेरा भी भाग्य बड़ा जोर, अगर रिजा सच होता जीवन का दम फिर मचा, भरपूर चुंबन लेता मान लो। तेरे हुस्न तो ओ मोहिनी बनाया मुझे पगला, मुझे बीच सड़क पर मारा, कौन है वो? वो जो भी है और जहां भी है मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, विश्वास रखिए। अरे संपत, कोई भी पूछे तो कहना कि मालिक का एक्सीडेंट हुआ है, उनको जिसने मारा उसे पहचाना? पहचाना। सुनो, कल जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ उस बच्ची को कहां ले गए जल्दी बताओ। नहीं जानता हूं। अबे बताता है कि नहीं? सरकारी अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने बताया कि हाँ। एक हफ्ते बाद घर ले जा सकते हाँ। हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार, बाय। हेलो, हेलो मधु, कहाँ हो? अपोलो हॉस्पिटल में। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरे डैडी का कल एक्सीडेंट हो गया था। मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे डैडी ने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे, तुम इधर मत आओ प्लीज। बढ़िया कहा मधु, तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट हुआ और मैं देखने ना आऊँ, ये ठीक बात नहीं। हेलो, मेरे आने से पहले वो निकल गया सत्या। नहीं नहीं, बॉस को जिंदा चाहिए, मुर्दा नहीं। वो जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ कर लाओ। सॉरी, जल्दबाजी के कारण। यहाँ आने जाने वाले सबको जल्दबाजी रहती है। जरा आगे देखकर चला करो। मैं आगे ही देखता हूँ, पीछे देखकर नहीं चलता। क्यों आए? तुम्हारे डैडी को देखने। आने के लिए मना किया था ना, मेरी बात क्यों नहीं समझते? ठीक है, केवल आंटी से मिलने दो। आंटी से मिलने? छोटी माँ, ये सूर्या है। आंटी, आंटी प्रणाम। आंटी मैं हूँ सूर्या, मतलब मधुलता का एक्सीडेंट, पुलिस स्टेशन, जेल, मैं हूँ आंटी, याद आया? एक बार अंकल से मिलकर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, उन्हें अभी नींद का इंजेक्शन दिया है। कैसे एक्सीडेंट हुआ आंटी? मालूम नहीं। ओके आंटी, मैं चलता हूँ। मैं अभी आई मधु, सूर्या से प्यार करती हूँ, अपने पापा के बारे में नहीं जानती, सूर्या के बारे में आप नहीं जानती। सच बेटी, कितने सालों से वो एक लड़की को पढ़ा रहा है ये तुम जानती हो ना, उसके मन में क्या है जाने बिना जल्दबाजी मत कर बेटी। क्यों मामा जी, आप भी स्वाति को पसंद करता हूँ, मैं उसे विवाह करूंगा, किसने कहा आपसे? कौन कहेगा? बचपन से शराफत से जीना छोड़कर जेल क्यों जाता रहा आज तक? अपराध अपने सर पर लाद कर रुपए क्यों कमाता रहा बोलो? रुको मामा, मेरी माँ को बचाने के लिए उसके पिता मारे गए, वो आज जीवित होते तो स्वाति को जरूर डॉक्टर पढ़ाते, वो नहीं है इसलिए उनकी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। सुपर है रे सूर्या, आईने का किसने इजाद किया? स्वाति, तुम्हें एक बात बताना है। अरे
आधे घंटे से देख रहा हूँ, 30 बार कंघी कर चुके हो, इतनी रिहर्सल जरूरी है? डायरेक्ट जाकर स्वाति को आई लव यू बोल दो ना। आप रे, अबे पगले, मैं स्वाति से प्यार नहीं करता, मारने से पहले बोलना था ना। अबे चल फुट। इससे मजा चखाता हूँ। बड़ा खुश है आज अपना सूर्या स्वाति को आई लव यू बोलने वाला है। मुबारकबाद दिया तो 100 रुपए मिले। मैं तो 200 रुपए लूंगा। जा जल्दी जा, उसका मूड बदल सकता है। तू भी खाएगा बेटे। स्वाति, तुमसे एक बात कहनी है। मधुलता से मैं प्यार करता हूँ, ये तुमने गलत समझा। मधुलता से मैं प्यार नहीं करता। स्वाति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा बोलोगे तुम? 100 रुपीज थैंक्स। सादिया, ओहो 200 दिया। क्या बात है, 200 की बात हो रही है? कुछ नहीं, अपने सूर्य स्वाति को आई लव यू बोलने वाला है ना, हमने मुबारकबाद दिया तो हमको 200 रुपया दिया उसने। तो हमें भी देना चाहिए। तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ मैं, तो 300 रुपए लूंगी। जा जा, तुम्हें 300 रुपया देगा। तो ऐसे हो रहे जैसे 1000 रुपए लाएंगे। इन दोनों का सूर्या, तुम्हारी तपन को मैं समझती हूँ, तुम्हारी प्रेम प्यारी को मैं जानती हूँ। पी लो स्वाति के प्यार को, पी लो। स्वाति को आई लव यू बोल दो। पी लो सूर्या, सोचो मत, पी लो। बोल्ड हो गया ये। इतनी जोर से आवाज कैसे आई? क्या क्रेडिट कार्ड भी दिया क्या? तुमने देखकर बचा बैलेंस, इसको दे दिया। हमने दिया ना, इसको दिया। परेशान मत करो बे, मैं प्यार करता हूँ मधुलता से। मैं मधुलता से प्यार करता हूँ, इस बारे में स्वाति को कैसे कहूँ इसी टेंशन में हूँ। यहाँ प्रैक्टिस किया तो वहाँ स्वाति से जाकर ये बात मैं कह सकता हूँ। मैं स्वाति को पसंद करता हूँ, अपने मन की सच्ची बात उससे कहने वाला हूँ। मेरे जीवन में अच्छा बदलाव आया है, इसका कारण है मधुलता। इसीलिए मधुलता से प्यार हो गया है, विवाह भी करना चाहता हूँ। सुपर रे, ऐसे ही सीधा जाकर बता रे। मैंने अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा स्वाति को ही चाहा है। क्यों रे, क्यों रो रही है? सूर्या तुझसे प्यार नहीं करता। प्रेम करने वाली लड़कियों के पेरेंट्स प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन बिना पेरेंट्स के मेरे प्रेम को प्रेमिका प्रॉब्लम बन गई। मतलब? मैंने उससे प्रेम किया, लेकिन उसने मेरे एम्बिशन से प्रेम किया। मेरे लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके मेरे जीवन को सार्थक किया। मेरा अच्छा गार्डियन साबित हुआ, लेकिन मैं इसका दूसरा मतलब समझ रही थी, मुझे आज ही पता चला। तू उससे प्रेम करती है, उसे मालूम है क्या? नहीं मालूम, ही अच्छा है। सूर्या को अपना जीवन साथी समझती थी, सूर्या ने मेरे लिए जन्म लिया ऐसा मैं समझती थी, लेकिन आज से मैं साजन नहीं दोस्त समझूंगी। ऐसा समझकर जी सकेगी? प्रेम का फुल स्टॉप है विवाह, फ्रेंडशिप का फुल स्टॉप है कुर्बानी, इसलिए मैं जीवन भर उसका सच्चा दोस्त बनकर रहूंगी। माँ बाप ने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन सूर्या ने मुझे जीवन दिया है। मैं उसके राहों के हर कांटे को हटाती रहूंगी, तभी सूर्या के त्यागों का प्रतिकार कर पाऊंगी। मामा जी, बिना बताए मुझे क्यों खींचे जा रहे हैं? बात क्या है, मेरा बेटा समझा देगा। थैंक्स मम्मी। सूर्या, आज मैं जिले का कलेक्टर बन गया। बधाई हो। खुशखबरी सुनाया है तुमने। थैंक्स। एक और अच्छी बात है, सुन लो। सूर्या, बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहता था। किस बारे में? स्वाति के बारे में। स्वाति? अपने बचपन में अपने साथ खेली हुई लड़की स्वाति से शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी ओके है। मुझे भी पसंद है रे। मेरा आज तक जेल में रहना बेकार नहीं गया। मामा जी, मैं ये खुशखबरी स्वाति को सुनाकर आता हूँ। अरे अरे अरे, ए स्वाति, परसों से एग्जाम है, जो हुआ उसे भूल जा, और जिससे प्रेम करती है उसकी इच्छा अनुसार तुझे डॉक्टर भी तो बनना है ना, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर ले। ए स्वाति, स्वाति, आज मैं बहुत खुश हूँ, अपनी खुशी को तुम्हारे साथ बांटने आया हूँ। तुमसे शादी करने इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लोग समझते हैं। क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ? नहीं तो। मेरी माँ के लिए तुम्हारे बाबा ने अपनी जान गंवाई, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी ली और तुम्हें डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इस बात के लिए तुमसे शादी करूंगा? नहीं तो। तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा लड़का देखा है, कौन है सोचो?
अपने मामा का बेटा शेखर। तुमसे शादी करने के लिए तड़प रहा है। अरे सूर्या, इसके लिए उसके लिए तुम क्यों जेल जाते हो ये पूछती थी ना। मैं तो जेल जाता था तुम्हारे लिए स्वाति, और शेखर के लिए जो सफल हुआ। अब तुम दोनों एक हो रहे हो, डॉक्टर कलेक्टर, कलेक्टर डॉक्टर। सुपर है ना जोड़ी, क्या कहती हो स्वाति? बाप रे, तुम्हें पसंद है ना। अब मेरी बात खत्म हुई, माँ और मामा जी को इस विषय में बताता हूँ, बाय। और हाँ स्वाति, शाम 5 बजे दुर्गा मंदिर आओ, अपने बारे में बताऊंगा। क्या है? सूर्या जैसा बदनाम लड़का, मधुलता जैसी हसीन लड़की। शाम को मंदिर में आओ, वहाँ बताता हूँ। आओगी ना? ठीक है, आऊंगी। बाय। अब समझ गई ना सूर्या को, बहुत बड़ा दिल है उसका। सूर्या को खुश देखने के लिए उसके हर बात माननी होगी। स्वर्गवासी शंकर जी की पुत्री स्वाति का श्री चंद्रशेखर जी के एकमात्र सपुत्र शेखर से विवाह हेतु आदरणीय लोगों के समक्ष शुभ मुहूर्त निकला है। अब इस लग्न पत्र को स्वीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। मामा जी को दीजिए। पुजारी जी, विवाह का तो ठीक है, लेकिन इस लग्न पत्र को स्वीकार करने का मुहूर्त तो ठीक है ना? अब कितनी बार कहूं सूर्या, आज का दिन बहुत शुभ है, वसंत पंचमी, गली गली में उत्सव मनाया जा रहा है। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। मैं इस बुके को सिर्फ आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए इसलिए नहीं लाया हूँ। मुझे मालूम है, मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा मुझे एमपीसी, बाय इलेक्शन में मैं जीत गया इसलिए दे रहे हो। सर, आपके नॉमिनेशन के दिन कम से कम 200 कार बुक कर लो क्या? 200 क्यों, 1000 करो। मेरा स्ट्रेंथ सेंट्रल तक जाना चाहिए। ऐसा ही होगा। नमस्ते। सर, राज्यसभा सीट नहीं मिला, लोकसभा बाई इलेक्शन से आपको एमपी सीट मिल गया, मुझे बहुत खुशी हुई सर। राज्यसभा सीट छीनने वाले मिले नहीं, इसकी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं। मुझ पर हाथ उठाने वाला मुझे अब तक मिला नहीं। सुनो दादी, दादी पर्सनल बात करना चाहती हूँ। तुम लोग जाओ। हाँ। झिझकना मत बेटी, तुम्हें जो चाहिए बोलो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा डैडी एमपी होने वाला है, अपनी चाहत बताओ। डैडी, मैं सूर्या नामक लड़के से प्यार करती हूँ। माँ को भी मालूम है, उसके पास धन दौलत नहीं है, बहुत ही गरीब है। ऐसा, अभी जाकर उसे ले आओ। थैंक यू डैडी। माँ, डैडी मान गए। सर, बेबी ने किससे प्रेम किया, ये जाने बिना उसे बुला रहे हैं? मैंने आवाज दी तो दरवाजे के पीछे छुपकर बात करने वाली मेरी बेटी सामने आकर प्रेम किया ये बात बता रही है मुझे। ये हौसला इसका नहीं, उसका है, उसी को देखना चाहता। उड़ी उड़ो तो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ो तो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ो तो उड़ी। तुम्हारा लव सक्सेस हुआ, हमें तो एंजॉय करने दो। हमारी शादी को डैडी मानेंगे या नहीं, इसका मुझे डर था, लेकिन वो अच्छे मूड में थे इसीलिए मान गए। अब वो सूर्या से मिलना चाहते हैं। सूर्या, डैडी के सामने थोड़ा डिसेंट से। डोंट वरी मधु, मुझे देखने के बाद तुम्हारे डैडी का फेस खिल उठेगा, मैं जानता हूँ। मेरे डैडी को तुमने देखा नहीं ना, फिर ये बात कैसे कहते हो? फेस वैल्यू। तुम इसी तरह मुझसे यहाँ बात करते रहो, और वहाँ सत्या मेरी डैडी के मन को पूरी तरह बदल देगा। अब चलते बनू। डैडी। ओके। थोड़ी अमीर होगी ये सोचा था, लेकिन तुम इतनी दौलतमंद होगी ये नहीं सोचा था। लेकिन अब मेरे प्रेम को मान गए ना? मुझे सिर्फ तुम चाहिए,
तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। थैंक्स। नमस्ते जी। आप बड़े हैं, आप मुझे देखकर खड़े हुए ये अच्छी बात नहीं। आप बैठ जाइए। मेरी बेटी से प्रेम करने वाले, इस घर के जवाई राजा होने वाले हो तुम, इसलिए सम्मान नहीं दिया तो कैसे बैठो। बैठो। क्या पढ़ रहे हो दादी? बोलो। BKK CCMS। ये यानी BKK कहो तो भला काम करना, CCMS माने क्रिमिनल्स और क्राइम करने वालों को मारकर सुधारना। ओ आई सी, ये क्वालिफिकेशन देखकर मेरी बेटी ने तुमसे प्रेम किया। इस प्रश्न का आपकी बेटी ने जवाब दिया तो अच्छा रहेगा। हाँ दादी, इनका हौसला देखकर। उसी हौसले से तुम सड़क पर किसी को भी मारते हो ना? हर किसी को नहीं मारता, जो रॉन्ग रूट में आता है बस उसे ही मारता हूँ, वो भी मधुलता के परमिशन से। वो कैसे? कोई हादसा हुआ तो मधु को फोन करता हूँ, वही सही या गलत का फैसला करती है ना मधु? कौन है सही कौन है गलत ये डिसाइड करने वाली अपनी बेटी से? तुम्हारी शादी करवाऊं मैं, बोलो। स्टेयरिंग औरत के हाथ में हो तो मत की गाड़ी सेफ रहती है अंकल। यानी वो जो कहेगी तुम करोगे? करूंगा। ए, ये लोग भी ऐसे ही हैं। मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। सपोज इस छोकरे को गेट से बाहर मत जाने देना कहा तो क्या होगा? मुफ्त की रोटी खाने वाला ठीक से नहीं मारेगा, जेल की रोटी खाने वाला अच्छी तरह से मारेगा। फिर हॉस्पिटल का खर्चा होगा, चेक के ऊपर साइन करना पड़ेगा। दादी मजाक किया बेटी, तुमने कहा ना इसका हौसला देखकर प्रेम किया है, उसी हौसले को टेस्ट कर रहा हूँ। लड़का मुझे पसंद है, 24 घंटे के अंदर फिर मुलाकात होगी। चलो ठीक है, गुड बाय अंकल। थैंक्स दादी। सत्या, इसी ने मुझे मारा था, आज तक इसको जिंदा पकड़ना चाहता था, अब इसकी लाश चाहिए मुझे। चलो भगो से। तुम्हारे बाबा को फिर मारने की मेरी इच्छा नहीं। पीछे तुम्हारे चाचा आ रहे हैं। तुम डरो मत, मैं देख लूंगी। मधुरता को लेकर यहाँ से निकलो। चलो चलो चलो। बेनू तुम उस तरफ जाओ। चलो जल्दी करो। तुम लोग उधर जाओ। चलो। चलो
आओ इधर, आ गया आओ, आ गया आओ, छोड़ दो, क्या हुआ? ये लो, हाँ इसको, अल्लाह, तलवार चाहिए भाई, तलवार, तलवार चाहिए भाई, तलवार, तलवार मधु मधु मुझे भी ले चलो रुको चलो चलो जल्दी करो भागो चलो चलो क्या है वो यहाँ है हैं?
बार तुम्हें बर्थडे केक खिलाया था, आज तुमने मुझे बचा लिया। थैंक्स मधु, तुम्हें बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए लाई। माँ जी ये क्या कर रही हो? छोड़ो बाबू, मेरा हाथ छोड़ो। इसे अपने हाथों से मैं मारूंगी तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। सारथी गुजर गया? गुजरा नहीं, तुमसे प्रेम करने वाले दीवाने को तुम्हारे बाप ने पेट्रोल डालकर मेरे सामने चलाया। मेरे बाप ने कितना अन्याय किया मुझे नहीं मालूम। तुमसे प्रेम नहीं करती लाखों बार कहने पर भी आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा था, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने इसे बचाया ऐसा लगा कि मेरी माँ ने बचाया। तुम्हें मारना है ना, हम दोनों को मार डालो। क्षमा करो बाबू, इंजीनियर होने वाला मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने जलकर भस्म हो गया, इसलिए मैं पागल सी हो गई थी। सुनो बेटी, तुम इससे प्रेम करती हो इसलिए तुम्हारा बाप इसे मारना चाहता है। तुम दोनों एक हुए तो मेरा बेटा जीवित है ऐसा समझूंगी। चलो बाबू अंदर छुप जाओ, जाओ। इतने लोग होकर भी उसको पकड़ नहीं पाए तुम लोग? मधु क्या है? तुम्हारे डैडी को मैंने मारा ये जानकर दुखी हो रही हो? नहीं, गुनाह किए मेरे डैडी को मारा, उस दिन से अच्छा काम करना शुरू किया था, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन मेरी डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? और क्या चाहिए? एक जवान लड़की और एक जवान लड़का एक ही कमरे में अकेले रहे तो जानती हो क्या होगा? क्या? कह दूं? कहो। कहूं? कहो। कह दूं? कहना मत, कर डालो। सूरत सुंदर मूरत आओ पास तुम्हें चुमके लोरी सुना के तुम सुना के छू करूंगा तुमको प्यार। बाबा चुभती तेरी अदाएं कैसा कैसा रंग तूने दिखाए। आओ बाह में करूंगा तुम्हें प्यार। Tango, 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 tango
मुझे तो हर रात तरसना होगा, तेरी याद में तड़पना होगा मुझे। साथ तेरे प्यारे आज प्यार का खेल सिखा दे मुझे। मुलायम गालों को सलाम, चुलबुली तुमको सलाम, कमर को तेरे सलाम चल प्यारी। आओ सुंदरी पूरा कर ले अरमा, आओ सुंदरी पूरा कर ले अरमा। सूरत सुंदर मूरत आओ पास में चुमके, लोरी सुना के तुम सुना के खूब करूंगा तुमको प्यार। बाबा चुभती तेरी अदाएं कैसा कैसा रंग तूने दिखाए। मेरी रतनी तेरी रतनी भुजाए मुझे, भुजाए मुझे मजा मजा पकड़ चुकाए मुझे। तुमको जल में कैसे बोलेंगे मैं तैयार हूँ, रंग तेरे जमा दे पोश बुलाती ले लो मजारे। आओ बाहों में करूंगा तुम्हें प्यार। हेलो मामा, मैं हूँ सूर्या। सूर्या कहाँ से? सूर्या, 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 सर आपकी बेटी आपके घर आ गई है, उस सूर्या पर दर्ज केस विथड्रॉ कर लीजिए। क्यों करें, आग लगी है तब धुआं तो उठेगा ही। सर आपकी बेटी ने बिना लाइसेंस ड्राइव करके एक्सीडेंट किया। बिना माल लिए जेल गया क्या? खाली हाथ नहीं गया। आपकी बेटी के लिए वो 6 महीने जेल में रहा सर। उसी सेंटीमेंट्स में मेरी बेटी मेंटल हो गई। उसने मेरे साथ जो किया वो जुल्म नहीं, सारे आम जनता के सामने मुझको मारा। 5 मिनट में असेंबली जाकर MP बनने वाले मुझ राजनेता का भविष्य ही चौपट कर दिया। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। सर बचपन से ही सूर्या के बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बिना अपराध किए वो जेल गया। इस बार सच में अपराध करके अपराधी बन के वो जेल जाएगा। आपको मारकर मुझे डरा रहे हो? जी नहीं, सच कह रहा हूँ। शेर के समान जी रहा है वो, बिना किसी को तंग किए उसे ढेले से मारा तो खामोश रहेगा, और अगर उसे रॉड से मारा तो क्रोधित होकर फाड़ डालेगा। पहले पांव पकड़ा, अब आंखें लाल कर रहे हो, क्यों रे टोन चेंज कर दिया? उसको और छेड़ा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। क्यों रे अपनी वर्दी का रोब दिखा रहा है? मैं तो समझाने आया था आपको, मगर कोई फायदा नहीं। लेकिन अब चेता रहा हूँ, उस स्टेशन का मैं सर्कल इंस्पेक्टर हूँ, रातों रात उसको उड़ा दूंगा। अगर नहीं उड़ाया तो तुम्हारी नौकरी खत्म। ए, धर्रा बेचने वाले इतना तुम्हारे पास कहाँ है अधिकार? मुझे है। नमस्ते सर। यू आर सस्पेंडेड। पब्लिक पर विश्वास करने से बेहतर है पुलिस पर विश्वास करना। सर आपने बुलाया? सूर्या ने मधु का किडनैप नहीं किया है, इसके साक्षी है स्वाति। सिर्फ उसकी बात पर विश्वास कर ले सर। जाने दो, मधु से इस बारे में पूछताछ कर लेंगे। इतना ही नहीं, मधु से प्रेम करते देख उसने शांता के बेटे को वह पेट्रोल डाला और उसे जला दिया, ऐसा शांता कंप्लेन करने वाली है। कल MP के नॉमिनेशन के वक्त एफिडेविट में उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं, ऐसा लिखने के लिए शांता को उस पर केस नहीं करना चाहिए ना। सूर्या को छोड़ा तो मधुलता से उसकी शादी हो जाएगी और शांता उस पर केस नहीं करेगी। तो अब क्या करना है, एक IPS को एक IAS को समझाने की आवश्यकता तो नहीं? जय भूषण की बेटी का तूने किडनैप किया, ऐसा कबूल करो तुम्हारी जमानत करा दूंगा।
नहीं तो मैं तेरी जो करना है थर्ड डिग्री से किया तो जरूर मानेगा। एक समय खाने का ठिकाना नहीं चला है दौलतमंद की बेटी से प्रेम करने ही। प्रेम करने के लिए एक हस्ती चाहिए। प्रेम में मेरी बेटी को फंसाकर मेरी दौलत हड़पना चाहता है। तुम्हें मार डाला तो फुटपाती किसी दौलतमंद से प्रेम करने का हौसला नहीं करेगा। जयभूषण जी स्टॉप इट, मुझे मत रोको, मैं से मार डालूंगा। कंट्रोल योर सेल्फ। आइए। किडनैप नहीं किया, मैं अपनी इच्छा से गई, ऐसा स्टेटमेंट आपकी बेटी ने दिया तो प्रॉब्लम होगा ना। आपके हाथों मारा गया सारथी, उसकी मां उस कलेक्टर के हाथों में है। कल के दिन एमपी के नॉमिनेशन के वक्त नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट कलेक्टर ने नहीं दिया तो आपका राजनीतिक जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यानी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता? नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, सूर्या का केस मैंने वापस ले लिया। इतना ही नहीं, सूर्या स्वीकार करे तो स्वाति और आपके बेटे का जिस मुहूर्त में ब्याह हो रहा है उसी मुहूर्त में मैं मधुलता और सूर्या का ब्याह कर दूंगा। तू हाउस सर्जन बन गई है ये जानकर सूर्या आएगा क्या? वह जरूर आएगा। हेलो स्वाति, मैं सूर्या बोल रहा हूँ। सूर्या, थैंक गॉड, मैं घर आऊँ? मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए। एक मिनट मामा जी से बात करो। बेटी स्वाति, वो जयभूषण जी सूर्या और मधुलता का ब्याह करवाने को राजी हो गए। स्वाति, उसे हॉस्पिटल से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। सूर्या, बेटी स्वाति, मेरी पूरी दौलत लुट जाए लेकिन मैं अमेरिका से दवाई लाकर जमाई राधा को बचाऊंगा। मेरा जमाई अच्छा हो जाए, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटी। नो प्रॉब्लम सर, एक घंटे में होश आ जाएगा। स्वाति, कलेक्टर साहब CIG मेरे साथ चलिए। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डोंट वरी, ही इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। ओह माय गॉड, समथिंग रॉन्ग। क्या हुआ बेटी? इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अच्छा, तुमने कौन सी इंजेक्शन दी? मैंने टेकेट्रॉन दी थी सर। टेकेट्रॉन? ओह माय गॉड, ये तो टेकेट्रॉन नहीं है, ये स्कॉलिन है। डॉक्टर, ये इंजेक्शन मैंने नहीं दिया था। जल्दी से दवाई लेके आओ। अभी लाता हूँ। हटिए हटिए, ये दवा जल्दी से दे दीजिए, इमरजेंसी है। टेकेट्रॉन के बदले स्कॉलिन देकर मेरे जवाई को मारना चाहती हो? नहीं, मैंने वो इंजेक्शन नहीं दिया था, मेरा विश्वास कीजिए। जल्दी दीजिए। स्वाति सूर्या को जान से ज्यादा प्यार करती है, वो ऐसा क्यों करेगी? जान से ज्यादा प्रेम करती थी ना तो किस लिए मारना चाहती हो? तुम्हें नहीं मिला इसलिए, मेरी बेटी को भी ना मिले इसलिए मारना चाहती हो? मुझे दो। नहीं दूंगा। जयभूषण जी, इस ब्लास्ट में आतंकवादियों का हाथ है ऐसा मेरे विभाग का अनुमान है। एसपी साहब,
आतंकवादी यही है। मेरे दवाई को 5 दिन इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की, इसे अरेस्ट कर लीजिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। किसको अरेस्ट कर रहे हैं? आतंकवादी उग्रवादी तुम हो। स्वाति को मैं बचपन से जानता हूँ। इसने जान लेना नहीं, जान देना ही इसने पढ़ा है। आंखों देखी बात को झुठलाना चाहते हो? एसपी साहब शट अप। फेरो, स्वाति को हाथ लगाया तो तुम्हें मार डालूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। सूर्या, 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 मुझे छोड़ो। चुपचाप चलो। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। चलो। चलो। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। चलो। सूर्य मर गया तो आपको लाखों मिल जाएंगे। जी सर। तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। हमारे प्यार को अब तुम्हें ही रक्षा करना है, अपने बेटे को तुम्हें ही बचाना है। सूर्या, 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 तुझे कुछ नहीं होगा। सूर्या उठ रहे, बोलो स्वाति को उठा कर ले गए। सूर्या, सूर्या उठ, सूर्या, सूर्या, सूर्या उठना, सूर्या, सूर्या, सूर्या। क्या हुआ सर? मैं उसे रोक नहीं सका, वो दवा लेके जा चुका है।
नहीं, आज तक बिना किसी अपराध के जेल गए हो, आज अपराधी बनकर जेल मत जाओ। अरेस्ट हिम। डैडी, जाते जाते मेरी बात सुनते जाइए। जेल जाने के बाद आप मेरी शादी पे रहेंगे या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आपकी मानी हुई शादी है, इसलिए आपकी आंखों के सामने हम दोनों एक हो रहे हैं। एक मिनट, मां से पूछता हूं। मां ने हाँ कह दिया। मां मान गई।